हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिट्ठू तोता और स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक और नई कहानी में। और आज की कहानी का नाम है सबसे सुंदर कौन है। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कौवा रहता था। वो बहुत ही खुश था क्योंकि उसकी ज्यादा इच्छाएं नहीं थीं। वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। लेकिन एक बार उसने जंगल में किसी हंस को देख लिया और उसे देखते ही सोचने लगा कि ये प्राणी कितना सुंदर है। ऐसा प्राणी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, इतना साफ और सफेद। यह तो इस जंगल में औरों से बहुत सफेद और सुंदर है, इसलिए यह तो बहुत खुश रहता होगा। कौवा हंस के पास गया और पूछा, भाई तुम इतने सुंदर हो, इसलिए तुम बहुत खुश होगे। इस पर हंस ने जवाब दिया, हाँ मैं पहले बहुत खुश रहता था जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। उसे देखने के बाद से लगता है कि तोता धरती का सबसे सुंदर प्राणी है। हम दोनों के शरीर का तो एक ही रंग है, लेकिन तोते के शरीर पर दो दो रंग है। उसके गले में लाल रंग का घेरा और वो सुर्ख हरे रंग का था। सच में वो बेहद खूबसूरत था। अब कौवे ने सोचा कि हंस तो तोते को सबसे सुंदर बता रहा है, तो फिर उसे देखना होगा। कौवा तोते के पास गया और पूछा, भाई तुम दो दो रंग पाकर बड़े खुश होगे। इस पर तोते ने कहा, हाँ मैं तब तक खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे पास तो दो ही रंग हैं, लेकिन मोर के शरीर पर तो कई तरह के रंग हैं। अब कौवे ने सोचा, सबसे ज्यादा खुश कौन है, यह तो मैं पता करके ही रहूंगा, इसलिए अब मोर से मिलना ही पड़ेगा। कौवे ने मोर को जंगल में ढूंढा, लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला। और मोर को ढूंढते ढूंढते वह चिड़ियाघर में पहुंच गया तो देखा मोर को देखने बहुत से लोग आए हुए हैं और उसके आसपास अच्छी खासी भीड़ है। सब लोगों के जाने के बाद कौवे ने मोर से पूछा, भाई तुम दुनिया के सबसे सुंदर जीव हो और रंग बिरंगे हो, तुम्हारे साथ लोग फोटो खिंचवा रहे थे, तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा और तुम तो दुनिया के सबसे खुश जीव होगे। इस पर मोर ने दुखी होते हुए कहा, भाई अगर सुंदर हूँ तो भी क्या फर्क पड़ता है, मुझे लोग इस चिड़ियाघर में कैद करके रखते हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई चिड़ियाघर में कैद करके नहीं रखता और तुम जहाँ चाहो अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हो। इसलिए दुनिया के सबसे संतुष्ट और खुश जीव तो तुम्हें होना चाहिए क्योंकि तुम आजाद रहते हो। कौवा हैरान रह गया क्योंकि उसके जीवन की अहमियत कोई दूसरा बता गया। दोस्तों, ऐसा ही हम लोग भी करते हैं। हम अपनी खुशियों और गुणों की तुलना दूसरों से करते हैं, ऐसे लोगों से जिनका रहन सहन का माहौल हमसे बिल्कुल अलग होता है। हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो केवल हमारे पास हैं, लेकिन हम उसकी अहमियत समझकर खुश नहीं होते। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर से कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।